धनबाद से बड़ी खबर देख सकते हैं जीटी रोड बरवड्डा में किस तरह से गाड़ी से गौ तस्करी किया जा रहा था और अभी गौ रक्षक दल के जो सदस्य है वो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पुलिस नहीं है लेकिन वो खुद कार्रवाई कर रहे हैं। इस गाड़ी में करीब 38 गाय लोड है जो बिहार से बंगाल जा रहे थे और देखिए अभी और 4 गाड़ी आने की सूचना है। देखिए और कंटेनर गाड़ी पहुंच चुका है जिसकी अभी ये लोग तलाशी लेंगे कि इस गाड़ी में क्या है नहीं है। इधर आइए, वो क्या है गाड़ी में? गाय लोड। गाय लोड कब पकड़े? अभी तुरंत। कितना गाय लोड है उसमें? 40-45 है। 40-45 कहाँ से आ रहा था? ये बिहार से। कहाँ जा रहा था? कलकत्ता कसाई खाना। कलकत्ता से जा रहा? ये काम पुलिस का है, आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग सब मिल के पकड़े हैं गौ रक्षक दल से। अच्छा, गौ रक्षक दल के प्रमुख है यहाँ पे सुमन शर्मा जी। सुमन शर्मा जी, जो काम पुलिस का करना चाहिए आप लोग कर रहे हैं? पुलिस को क्या बताऊं, वो लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है कि वसूली करें सड़कों में। हम लोगों को सूचना मिलती है तो हम लोग पकड़ते हैं। अभी कंटिन्यू फोन किया जा रहा है बरवड्डा के थाना प्रभारी विक्रम कुमार को, तो इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है उनकी तरफ से। जानवर पकड़े आई है, अभी 3-4 गाड़ी और है पीछे, इसमें तकरीबन 50 की संख्या में है। कहां से कहां जा रहा है? और ये यूपी बिहार होते हैं बंगाल जाता है बुचड़खाने में। तो ये प्रमुख थे गौ रक्षक दल के सुमन शर्मा, जिन्होंने ये गाड़ी कंटेनर पकड़ा है। और आप देखिए कि गौ तस्करी का नया तरीका है कि पार्सल गाड़ी से गौ तस्करी किया जा रहा है और एक यहाँ गाड़ी, हर गाड़ी को पार्सल गाड़ी जो भी है उनका तलाशी किया जा रहा है। अब गौ तस्करी रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हो रहा है। कुछ लोग भी पकड़ाया है, उन देखते हैं वहाँ लोग घेर के रखे हैं। कुछ लोग भी पकड़ाए हैं, थोड़ा देख लेते हैं कौन लोग है। अच्छा, यह देखिए 3 लोग पकड़ाया है, इनको पकड़ के रखे हैं लोग जो बिहार के बताए जा रहे हैं। तुम आओ इधर, उसको बुलाओ, कमीना को बुलाओ। अच्छा सुनिए ना,